ओम नमः शिवाय। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पास संतान सप्तमी की बहुत सारी चूड़ियाँ हो गई हों तो उनका क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सोने चांदी को हम लोग आभूषण के रूप में धारण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोने के साथ ये मान्यता होती है कि कमर के नीचे सोने को धारण नहीं किया जाता है। इससे दोष लगता है, सोने का अपमान होता है। यहाँ पर बात हम चांदी की कर रहे हैं तो चांदी को कमर के नीचे धारण किया जा सकता है। आप बिछिया पायल के रूप में इसको धारण कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, लेकिन ये हमारी पूजा वाली चूड़ियाँ हैं, छल्ले हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आखिर हम इनका क्या करें? तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनका कुछ जेवर बनवा लें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम जो जेवर बनवा रहे हैं, जो आभूषण बनवा रहे हैं, तो ऐसा आभूषण बनवाएं जिससे उसका अपमान ना हो, हमारी चूड़ियों का, हमारी श्रद्धा का, जो हमारा जो विश्वास है, तो इन सब का अपमान नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छी इनकी जो यूज है, उपयोग है, तो आप इसको कमर के नीचे तो पहन नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारी पूजा वाली चूड़ियाँ हैं। चांदी को धारण किया जा सकता है लेकिन ये पूजा वाली चूड़ियाँ हैं तो इसको कमर के नीचे धारण नहीं कर सकते हैं, यानी बिछिया पायल के रूप में आप इनका यूज़ ना करें। इनको यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आप जो कमर पेटी होती है, जिसे कमरबंद भी कहा जाता है, तो वह आप बनवा सकते हैं। और इसके अलावा आप हाथों में जो पहनने वाले फूल होते हैं, जिसे हथफूल कहा जाता है, तो वह भी इन चूड़ियों का आप बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी बहुत सारी जो चूड़ियाँ हैं आपके पास, तो कुछ ना कुछ आभूषण इस तरीके से बनवा लेंगे तो इन चांदी का भी यूज़ हो जाएगा, साथ में आपकी चूड़ियों का अपमान भी नहीं हुआ होगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल आसान पल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।